सो हे गाइस अगेन वेलकम टू माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। तो आज सुबह सुबह अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज को और आज हम जाने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिप पे और हम आपको बताएंगे कि जाना कहाँ है, कौन सी ट्रिप में जाने हैं। तो आपको वीडियो के बाद में पता लगेगा। इसलिए वैसे जा तो एक मंदिर में रहे, अभी बता देता हूँ। इसकी वजह से सुबह नहाया धोया और अभी बहुत ठंडा हो रहा है हमारे यहाँ को। एक तो वैसे ही बहुत ठंडा हो रहा है और आज तो ऐसा लग रहा है धूप भी नहीं आने वाली है, बादल ही बादल हो रहे हैं। तो उसके लिए तो स्कूटी, हाँ स्कूटी में जाएंगे, पापा की छुट्टी भी है आज, तो तब आज स्कूटी में भी जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने वहाँ की रोड में। तो गाइस देखो ये अंकल लोगों का घर भी बन गया है अब ऑलमोस्ट, और वो है ऊपर पे को रोड आई। तो उठा भी नहीं अभी तक। तो गाइस अब मैं कॉलेज से थोड़ा बास्केटबॉल खेल के और बहुत देर उदय को नचा नच चुके 10-11 बजा के और एक अंकल को ठोक के और पता नहीं अपने स्कूटी में क्या क्या कारनामा करके अब हम जा रहे हैं उदय की स्कूटी में, वो भी पता नहीं कहाँ को। देखो हम जा रहे हैं अभी सवाल एक बार रखते, तो देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे अब सवाल एक बार। अबे भाई मेरी राइडिंग स्किल तो दिखा दूँगा अभी, जिस टाइम एक्सेलरेट करेंगे राइडिंग स्किल्स तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। को पहले आज अब मैं राज खोल ही देता हूँ, ये उदय राज है। तो अब आपको पता लगी क्या होगा, हम जाने वाले थे चंडीगढ़ घाट और जाने वाले हैं और हमें रास्ता पता नहीं है। तो ये इस एडवेंचर की सबसे बढ़िया चीज़ है देखो, और अभी हम जाम में, ये दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है। बक्सा जी मत कर दो, इतना जाम में भाई। जब हम जाम से निकल चुके हैं सारी बैठी का मतलब, ये देखो भाई की राइडिंग स्किल्स मोए मोए। इसे भगवान की तरफ से ऊपर वाले मेरे पापा को माफ करना। जब हम आ रखे हैं मंदिर के लिए थोड़ा सामान, देखो नैनीपातल 6 किलोमीटर और अभी यहाँ से हम खरीदेंगे भगवान के लिए। तो गाइस अब मंदिर का सामान ले लिया है, रखते हैं डिक्की में और एडवांस के डब्बे। ये कौन सी मंदिर भाई। तो गाइस अब हमने भरा दिया तेल, चलते हैं हम आगे को। गाइस अब हम जा रहे हैं आगे को सवाले काले रास्ते। तो भाई ठंडे से हो गई है मेरी हालत खराब और अभी हमको जाना है, अरे सॉरी भाई अभी ठंडे से हो चुकी है मेरी हालत ख़राब। अभी हम पहुंच चुके हैं सवाल एक, आपको दिखाते हैं ये बनानी कितनी खुशी थी। चलते हैं अब, पहले तो भाई बहुत ठंडा हो रहा है और आवाज़ भी आ रही होगी इसकी वजह से। भाई जब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ घाट के लिए, ये सवाल एक पता कहाँ कौन सी जगह है, सवाल एक, हाँ सवाल एक से हम रास्ता पूछ के। और भाई एक मिनट रुक, तो कैमरा यहाँ कर तो, हाँ हाँ कह रहा अच्छा दाढ़ी में कितना अच्छा दिखता हूँ मेरी भी तो है यार भाई। तो अभी रास्ता पूछा हमने, अब यहाँ से इनने बताया कि जो रोड है इससे ऊपर, ये देखो इस रोड से जो ऊपर रोड को कटेगी, थल वाली रोड को नहीं जाना है, ऊपर रोड कौन है ये है, इस वाली रोड में नहीं जाना है मेरे को अभी, हमने पूछा। और जो रोड आ रही है इसमें सीधे बढ़ते रहना है। थोड़ा पैर फैला था ये गाइड मुझे तब से पैर फैला बोल रहा है, जैसे कि मेरी वजह से उड़ान भर रही है। तेरे पैर नहीं फैलेंगे तो उड़ेंगे।
अभी देखो 70 की स्पीड में है, अब देखो 100 की हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये वाला इंजन गरम, एक बार इंजन तब से गरम हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है इंजन। अब चलते हैं हम इन खूबसूरत नजारों से चंडीगढ़ घाट की ओर। तो गाइस देखो नेचर और ठंडा देखो, वो तो तुम कैसे देख सकते हो, और रोड भी, वो तो हमारे साथ ही स्किल्ड ड्राइवर है तब हम बच रखे हैं, वरना तो गाइस यही से माइनिंग होती है। और चलाने के लिए हर बार वीडियो में बोल रहे चला रहे दे ही नहीं रहे। अरे देखो ऐसी रोड रखी है, इसको चलाना तो आता है, मार दिए ब्रेक मार के इसने अपनी औकात दिखा दी। अबे हम पानी में जाएंगे पीछे की जब इसको। तो गाइस अपने को बड़ा हैवी ड्राइवर बताने के बाद हम मुझे आ रहे हैं, अब बोल हैवी ड्राइवर तो गाइस जब मैं पैदल हूँ वो मेरे को छोड़ के चला गया मेरा दोस्त, और गड्ढे में फंस गया। ये सही में भाग गया मुझे छोड़ के, थोड़ी देर दौड़ के रहा है, रुक रुक अब पानी इस वाली रोड में जाने या इस वाली रोड में। गाइस कितनी रोड रही है यहाँ, एक एक करके बहुत सारी रोड पानी में ही पड़ी है, पर हमको क्या, हमको तो इसी रोड में चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहो रे। ये देखो प्राइमरी स्कूल हर जगह होता ही होता है, फिर बेचारे बच्चे यहाँ से कॉलेज पढ़ने आते हैं। तो गाइस अभी हम जितने भी रास्ते में लोग आ रहे हैं उनसे पूछते हुए जा रहे हैं कि कौन सी रोड में जाना है, तो ज़्यादातर तो जो ये रोड अच्छी दिख रही है इसमें जाने के लिए बताया कि एक घर आएगा वहाँ से कच्ची रोड, एक कच्ची रोड आएगी वहाँ से घर को चले जाना, ऐसा कहना चाहते हैं। और अब जा रहे हैं ठंडे से नाक की धारा भी है, तो गाइस देखो पीछे क्या मस्त से घर दिख रहे हैं जो कि मतलब पुरानी संस्कृति के वाले हैं। देखो ये पहले हमारे गांव में भी ऐसे घर थे, आजकल तो सब नए घर दिए हैं पाथर वाले, अपना भी था उसको हमने रिन्यू करके वाली छत बना दिए हैं, कभी दिखाऊंगा वो भी आपको। तो गाइस हमें पता चल गया है दोबारा रास्ता, उन्हें यही कहा कि राइट जाना लेफ्ट जाना रास्ता है कच्चा, अगर नहीं हमसे कहते कि पक्के रास्ते में जाना चूती है ना कच्चे में था, तुम कहाँ जाके आ रहे हो। काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग करने के बाद हम बहुत देर से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बहुत कॉलोनी भी डिस्टर्ब कर दिया पता नहीं किसी मोड़ में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण ये भी राइडर ने मेरा नाम कहाँ ले रहे अपनी गाड़ी टोक डाली हैवी राइड क्यों लगाया भाई तेरे फोन के पीछे लाइसेंस, ड्राइविंग तो ये है तेरी। गाइस देख लो गाड़ी ठोकने के बाद ऐसा दिखता है मानुष। गाइस देखो पीछे से क्या मस्त सी चीज बनी है, कुछ पता नहीं क्या है, इसको नहीं कह रहा तो चलते हैं अब आगे को और देखते हैं मंदिर। ये बिरालू मिखलेश बंडड़वा मिखलेश, गाइस देखो मिखलेश का दोस्त छोटा मिखलेश मार देगा जल्दी चल। तो वो है मंदिर, तो पहले तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ।
ओह माय गॉड कितना सुंदर है। तो गाइस ये देखो स्नैप का क्या बोला देखो क्या मस्त सा दिख रहे हैं। हाय हाय वाह क्या कहते हैं शक्ति द्वार। तो गाइस देखो ये है द्वार और यहाँ अंदर ये है प्यारा सा मंदिर और ये है स्नैपचैट बनाने वाला। तो देखो दोस्तों सुंदर सा मंदिर और ऊपर एक और मंदिर है। अंदर का तो कभी दिखा नहीं सकते आप सबको पता ही है पर ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। पर चलते हैं चलो तब तक वही इसकी नक्काशी देखो दोस्तों ये है 17th सेंचुरी का। तो गाइस अभी देखो ये आरती क्या सुंदर मंदिर है वाह मन तो मेरा बहुत प्रसन्न हो गया ये मंदिर देख के वाह। तो दोस्तों यहाँ पर को था एक और मंदिर तो अभी हम इसमें गए। अंदर का तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ ऐसे ही और लोग दिखाते होंगे तो दिखाते होंगे ब्लॉग में मैं नहीं दिखाता क्योंकि आस्था छुपी रहती है इसको नहीं इसको भी नहीं दिखाते। ये भी भगवान से कम नहीं है मेरे लिए तो मैं इसको भी नहीं दिखाऊंगा बाकी आपको मैं सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो वाह क्या सुंदर अप्रतिम तभी मैं तुम्हारे लिए व्लॉग भी बना रहा हूँ वाह। और यहाँ भी है एक और प्यारा सा मंदिर तो दोस्तों ये देखो अब मंदिर हो चुका है बंद जिस टाइम आरती हुई इसके बाद मतलब हम इतने लकी है ना हमारे आने के बाद ही उन्होंने जस्ट बंद किया है क्योंकि अगर हमारा था आने का तब। तो दोस्तों लगभग 2 बजे के टाइम तक ये बंद हो जाता होगा मेरे को ऐसा लग रहा है। अब इसमें नहाए या नहीं नहाए ये बड़ा वो है सोचने वाला वो है विचार क्योंकि फिर अगर नहा दिया तो ये वाला टीका मिट जाएगा और मैं नहीं चाहता ये वाला टीका मैं मिटूं तो मैं सर तक नहीं नहाऊंगा मैं सिर्फ पैरों धो के वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं तो भाई टेम्परेचर देखूंगा अगर टेम्परेचर सही हुआ तो ना ये भी ठीक है वेरी गुड है। दोस्तों देखो ये भैरव देव का मंदिर देखो अभी अब हमने सोच लिया है कि नहाते करके तो चलते हैं और पानी कितना मस्त हो रखा है एकदम बढ़िया सा और वो देखो पुल। तो गाइस इसने हिम्मत कर दी है नहाने की इतने ठंडे में और इसको देख के मैं बस स्टार्ट हुआ हूँ कपड़े खोलना। रुक जा भाई मैं भी आ रहा हूँ क्या दिख भी नहीं रहा है तू भाई कई हालत खराब हो गई कई मजा आ रहा था। तो गाइस देखो यहाँ है चॉकलेट और फ्रूटी और ये इसको खाने वाला अभी हमारा क्या अभी हाय भाई वो फ्रूटी मेरा नाम गा ले रहा है अच्छा, सॉरी हर बात पे मैं ही हूँ सॉरी सॉरी ये वाली तो फ्रूटी मैंने भी थी पर चॉकलेट इसने खाई है वो वाली ये है वो वहाँ लोग नहा रहे हैं अभी हम ना के आए अब यहाँ आग तापते हैं पर आग ताप के ज़्यादा ठंडा होता है मैंने सुने हैं। तो गाइस देखो रोड ऐसी और हम वो आ रहे हैं उसके नीचे मंदिर से ऑफ रोडिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है
गाइस जब हम पहुंच गए जादर देवर, और इतना ठंडा हो रहा था ना भाई, आंसू आ रहे हैं आँख से। इसके भी देखो ये तो दिख ही नहीं रहे, इसकी आँख तो दिख ही नहीं रही। तो अब चलते दोबारे, लेट्स गो ठंडे में। आज पूरा दिन का मौसम ही लग रहा है जैसे 6 बज रखा है सुबह से, पूरा दिन हो गया है और लग रहा है एक ही टाइम हो रहा है जैसे सुबह खेलने आते हैं उस टाइम पर। तो गाइस जब हम महर्षि से आगे निकलते हुए और करते हुए अभी हो चुका है कितना, शाम के टाइम में कॉलेज देखो, शाम की नहीं मतलब रात हो ही गई है। ऐसा तो मैंने कॉलेज कभी नहीं देखा, ये क्या है जिसी भी बात खुला है रात को। तो गाइस देखो काम चल रहा है इतनी रात को भी, वो तो नहीं दिखा सकता पर हीटर जरूर चल रहा है। तो गाइस फाइनली अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, अब मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।